हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। आज हम एक बार फिर आप सभी के लिए बेहतरीन ट्रिक लेकर हाजिर हैं, अशोक के सभी शिलालेख। आप सभी को पता है कि अशोक के 14 शिलालेख हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं अशोक के शिलालेख तो आप पढ़ते तो हैं 1 2 3 4, और एग्ज़ाम में पूछता है 1 2 3 4 13 जो महत्वपूर्ण शिलालेख हैं वो पूछता है अक्सर एग्ज़ाम में, और आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अब हम जो पढ़ाएंगे उससे आप भूलना भूल जाएंगे, ऐसी हम ट्रिक आपको देंगे। तो आप सभी के लिए हम 14 शिलालेखों की पहले ट्रिक बता देते हैं, उसके बाद क्या है पूरा हर शिलालेख में क्या है पूरा वो चीज़ें हम आपको डिस्कस कर देते हैं। तो चलिए ट्रिक के साथ, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि आप सभी का फ़ायदा हो, जिससे आप सभी के मित्र लोग हैं उनको भी फायदा हो इस चीज़ का। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले ट्रिक क्या है। ट्रिक है हमारी पांच प्रधान आते, जब पांच प्रधान आते हैं तो क्या हो सकता है आप इमेजिन कर सकते हैं। पांच प्रधान आते तो सारा जो धाम होता है वो कांपता है, सारा धाम कांपे। पांच प्रधान आते तो सारा धाम कांपे, ये किसके शिलालेख हैं आपको लास्ट में यहां पे लिख देना है, अशोक। अशोक किसके शिलालेख हैं, अशोक के, तो लास्ट में आपको अशोक लिखना है। और ट्रिक क्या है, पांच प्रधान जब आते हैं, जब पांच दमदार प्रधान कहीं के आ जाते हैं तो जितने सारा धाम होता है वो कांपने लगता है, ये आपको ध्यान रखना है बस। अशोक के ये शिलालेख हैं, अशोक आपको लास्ट में लिख देना है बिना कुछ किए। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहले शिलालेख में हम यहाँ से पहले पा की बात कर लेते हैं। यहाँ पे तो पा से आपका होता है, जो अशोक के पहले शिलालेख में कहा गया था वो कहा गया था पशु बलि की निंदा की गई, यानी कि जो पशु की बलि है वो नहीं दी जाएगी अब आगे से, इसकी निंदा की गई थी। जब अशोक के समय क्या होता था कि उस समय मोर की बलि दी जाती थी, प्रत्येक दिन कम से कम 2 मोर काटे जाते थे। इन सब को देखकर अशोक का जब कलिंग युद्ध हुआ था उसके बाद इन्होंने जो है पशु बलि पे भारी नरसंहार के बाद इन्होंने क्या कर दिया था कि पशु बलि पे रोक लगा दी थी। तो यहाँ पे पहले शिलालेख में वो हो गया। दूसरा जो है, दूसरा शिलालेख वहाँ से चा से आपकी क्या ट्रिक बन सकती है यहाँ पर आपको देखना है। पाँच, तो पाँच में चा से ट्रिक है चिकित्सा। चिकित्सा, अशोक ने क्या किया था कि अपने राज्य में सभी के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की थी, चाहे वो मानव हो या उन अशोक के नागरिक हों, चाहे अनागरिक हों, व्यक्ति हों, चाहे पशु हों, उन सभी के लिए अशोक ने चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। तो दूसरा क्या है आपके लिए, चिकित्सा। अब पास से हो गया, क्या हो गया आपके लिए देखना है, पास से यहाँ पे आपका ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि पाँच, पास से आपका पाँच होगा, आपको यहाँ ध्यान रखना पाँचवें, पाँचवा याद कर लीजिए, पांचवां या पांचवें कुछ भी आप याद कर लीजिए। तो अशोक ने कहा था कि जितने भी अधिकारी होते हैं, महामात्र होते हैं, वो पांचवें वर्ष जो है वो दौरे पर जाएंगे, यानी कि जो राज्य का दौरा होगा वो नागरिकों से मिलेंगे और पूरे राज्य का दौरा करेंगे हर पांचवें वर्ष। अब यहाँ पे धा से, तो यहाँ पे धा से आपको याद करना है क्या है, धम्म घोष की घोषणा की थी उन्होंने, अशोक ने क्या की थी कि भेरी घोष, इसके पहले जो चंद्रगुप्त का काल था उसमें, चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल था उसमें भेरी घोष होता था, लेकिन जो अशोक ने था उसको भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। तो आपको यहाँ पे याद रखना है धा से धम्म घोष की घोषणा की थी उन्होंने। ये आपका कौन सा शिलालेख था, ये तीन, ये चार हो गए। अब पाँचवें शिलालेख की ओर हम बढ़ते हैं। तो पांचवें शिलालेख की बात करें तो ना से आपका हो जाएगा नियुक्ति। नियुक्ति, नियुक्ति की बात करेंगे तो अशोक ने कहा था कि धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति की जाएगी, जितने भी धर्म के कार्य करने वाले होते हैं उनकी नियुक्ति जो की जाएगी। तो यहाँ पे धार्मिक महामात्रों या महापात्रों की नियुक्ति, धार्मिक महापात्रों की नियुक्ति की बात की गई थी। अब ये आपका पांच शिलालेख हो गए। अब छठवें पे हम आते हैं। तो छठवां आपका यहाँ से जो आपको देखना है आ से, तो छठवें शिलालेख में आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि छठवें में आपका अशोक ने कहा था कि आत्मनियंत्रण की बात की थी, कठोर आत्मनियंत्रण की बात। तो यहाँ पे आ से हो गया, आत्मनियंत्रण आपको ध्यान रखना है, आत्मनियंत्रण की बात की थी। और इन्होंने कहा था कि कठोर आत्मनियंत्रण, प्रजा जो है, प्रजा तथा जितने भी उनके कर्मचारी हैं वो अपने ऊपर कठोर आत्मनियंत्रण करें, यानी कि किसी के साथ उन गलत ना करें, अन्याय ना करें, इसलिए इन्होंने आत्मनियंत्रण की बात कही थी। अब यहाँ पे आपका ता से देखिए, यहाँ पे ता से जो आपका यहाँ पे ये छठवां शिलालेख है,
आपका ये सातवां शिलालेख की बात करें तो ता से आपका हो जाएगा, आपको यहाँ पे देखना है जो ये सातवां जो है यहाँ पे, ये सात और आठ दोनों एक ही हैं, और यहाँ पे जो है ता से दोनों में क्या है, अशोक ने जितनी भी तीर्थ यात्राएं की थी उसका उल्लेख किया गया है, तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है सातवें और आठवें शिलालेख में। तो तीर्थ यात्राओं का उल्लेख इसमें किसमें किया गया, सात और आठ आपके शिलालेख में। आप यहाँ पे देख लेते हैं आपका अपशास है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये आपका कितना हो जाएगा, नौवां हो जाएगा। तो आपका तीर्थ यात्राओं का उल्लेख के बाद आपका जो हुआ था जो आठवां शिलालेख आप था का था वो सच्ची भेंट थी, सच्ची भेंट तथा शिष्टाचार की बात अशोक ने की गई थी कि मित्र जब आप जनता से प्रजा से मिले तो जो सच्ची भेंट करें, उनसे मन से भेंट करें और शिष्टाचार के साथ भेंट करें, अभद्रता के साथ किसी के साथ पेश ना आए, यही इनका वो था। अब राज से होगा आपका दसवां शिलालेख होगा, राज्य के राज से आपका हो जाएगा राज्य की जितनी भी प्रजा थी वो आपका राजा, चाहे राज्य की प्रजा या राजा आप कह सकते हैं, राजा राज्य की प्रजा या राज्य के राजा आपके अधिकारी जो हैं वो सारे जो अधिकारीगण हैं वो क्या करें, वो प्रजा की यहाँ पर ध्यान राज लिख लें, तो राजा या राजा अधिकारी वो प्रजा के हित के बारे में हमेशा सोचेंगे, प्रजा के अहित के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। तो प्रजा के हित के बारे में जो राजा है और अधिकारी है वो प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, प्रजा के हित के बारे में सोचेंगे, आपको ये नोट कर लेना है। अब यहाँ पे आपका हो गया, अब यहाँ पे जो है राज के बाद आपका ग्यारहवां शिलालेख है वो जो है धा, तो धा से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से धा से तो जो इनका जो अशोक का क्या था कि यहाँ पे धा से आपका धार्मिक महामात्रों धम्म घोष की घोषणा की गई थी। अब इसी धम्म घोष की यहाँ पे व्याख्या की गई थी, अशोक द्वारा जो भी धम्म की दिया गया था धम्म घोष की व्याख्या यहाँ पे की गई, धम्म घोष की व्याख्या। अब हम आपको बता दें कि ये जो अशोक का जो धम्म था वो बुद्ध का धम्म नहीं था, ये अशोक का अपना धम्म था। इसमें क्या था कि ये हमेशा जो प्रजा के हित के बारे में इनका काम करना था, सादा जीवन बिताना था, इनके जो धम्म घोष है वो अशोक बुद्ध के धम्म घोष से बिल्कुल अलग था, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अक्सर अब जो अभ्यर्थी होते हैं वो इनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि जो अशोक का धम्म है वही यहाँ पे बुद्ध का धम्म है, लेकिन इन दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस है। वो धार्मिक जो बुद्ध का है वो धार्मिक जीवन से संबंधित है, जबकि यहाँ पे अशोक का है वो जो सामाजिक जीवन हित जनता के हित के बारे में धम्म है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे 12 नंबर आपका क्या हो जाएगा, माँ से हो गए महामात्रों की नियुक्ति। यहाँ पे आपको देखना है कि जो यहाँ पे जो महिला महामात्र की नियुक्ति थी, यहाँ पे धार्मिक महामात्रों की नियुक्ति थी, लेकिन यहाँ पे जो है महामात्रों की नियुक्ति होगी, लेकिन आपको क्या करना है, जो महिला महामात्रों की नियुक्ति होगी, महिला महामात्रों की नियुक्ति आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आपका माँ से हो गया, अब कांपे, देखिए यहाँ पे 13वां शिलालेख जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपको एग्जाम के दृष्टि से, आपका 13वां शिलालेख जो होगा यहाँ पे हमने कांपे क्यों लिखा है, पूरा दो वर्ड क्यों हमने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कांपे का मतलब देखिए यहाँ पे दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एक तो का से आपको हो जाएगा कलिंग विजय का उल्लेख 13वें शिलालेख में, ये अक्सर एग्जामों में पूछता है किस अभिलेख में है, तो 13वें अभिलेख में आपका जो है, अब यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो हम इसको ऊपर दिखा देते हैं आपको, 13 आपका, 13 आपका यहाँ पे का से हमने बता दिया कि कलिंग का विजय का अभिलेख जो है यहाँ पे 13वें शिलालेख में है अशोक के। कलिंग विजय के बाद ही इसने क्या है युद्ध को त्याग दिया था, अब युद्ध भविष्य में ना करने के बारे में। और इसी पा में देखिए 13 में हमने दो लिया था, एक तो का लिया था और एक पा लिया था, तो 13 में जो पा है हमारा क्या है वो आपको ध्यान, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछता है, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख, पड़ोसी राज्यों का उल्लेख किया गया है 13वें शिलालेख में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 13वें में का से आपका कलिंग विजय और पा से आपका पड़ोसी राज्यों का उल्लेख। एक अंतिम शिलालेख जो 14वां बचता है वो 14, तो 14वां शिलालेख जो कि महत्वपूर्ण है यहाँ पे आपको जो देखना है, तो अशोक यहाँ पे हमने लिखा है, तो अशोक ने क्या कहा था, अशोक ने अपनी प्रजा से कहा था कि वो सादा जीवन बिताएं,
सादा जीवन जो है जनता वो सादा जीवन बिताए, साथ ही साथ सादा जीवन के साथ साथ कृषि पे निर्वाह करें, कृषि तथा व्यापार करें, कोई गलत काम ना करें जनता। तो इसीलिए उन्होंने जनता से रिक्वेस्ट की थी कि वो सादा जीवन बिताएं। तो ये हमारी 14 शिलालेखों की ट्रिक हो गई, बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है और अक्सर एग्जाम में एंशियंट हिस्ट्री का ये टॉपिक है, लेकिन बहुत ही जब मौर्यकालीन वंश से जब क्वेश्चन पूछता है तो ज़्यादातर अशोक से पूछता है, अशोक के शिलालेखों से पूछता है। तो आपको यहाँ पर देखना है अशोक का हम शासनकाल, आपको अशोक ने कितना 273 में इन्होंने एक क्या लिया था, शपथ ग्रहण किया था, लेकिन इन्होंने के बाद में जो इनको वास्तविक माना जाता है 269 से माना जाता है। और आठवें वर्ष क्या हुआ था, आठवें वर्ष जो है इनका जो कलिंग का युद्ध हुआ था, यानी कि 261 BC, आपको याद रखना है BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट। तो यहाँ पे आपको ध्यान है जन्म ईसा पूर्व है। अब एक चीज़ हम आपको बता दें कि इन शिलालेखों में अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, और ये आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह मिलेगा। कुछ जगह आपको कहा जाएगी कि सातवां शिलालेख जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है, जबकि कुछ जगह कहा जाता है कि 13वां शिलालेख सबसे बड़ा माना जाता है। तो आपको एग्जाम में वही मारना है जो एग्जाम में आपके दो ऑप्शन दोनों एक साथ नहीं देगा, या तो 7वां देगा या तो 13वां, अगर इनमें दोनों में से आपको जो ऑप्शन देता है वो आप मार दीजिएगा, क्योंकि इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होता है और ये कई अलग अलग किताबों में अलग अलग है। तो आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन दिखे 7 या 13 में से, इसके अलावा नहीं मारना है, 7 या 13 जो भी ऑप्शन रहे वो आपको कर देना है। तो ये रही अपडेट आपके लिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।